गुड मॉर्निंग। हम लेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। हमने पढ़ रहे हैं हिंदू धार्मिक साहित्य के बारे में, जिसमें वेद, महाकाव्य, पुराणों के विषय में हम पढ़ रहे हैं। अब लेंगे हम उपनिषद के बारे में। उपनिषद, जिसका शाब्दिक अर्थ है निकट या नीचे बैठना, इनके गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो है ये ज्ञान प्राप्त करते थे। तो 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य इनकी रचना की गई। आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, संसार के संबंध में दार्शनिक विचारों का ये संग्रह है। इन उपनिषदों में केन, ईश, प्रश्न और इसी के साथ साथ मांडुक्य, अत्रेय, कंत, तैत्रीय आदि प्रसिद्ध ये इसके आगे चलकर उपनिषदों के ग्रंथ हैं। और इस तरह से इनको पढ़कर भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो कि हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में जो है इसमें जो वेद हैं उनकी सरल व्याख्या की गई है। तो प्रत्येक वेद के कई अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये केवल यज्ञ की विधियों की ही जानकारी नहीं देते, बल्कि समकालीन इतिहास के बारे में भी हमें जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद है स्मृतियां। तो स्मृतियों की हम बात करें तो स्मृतियां जो हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के। ये साहित्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिला ज्ञान है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ ये है, ये वेद उद्घाटित भाग माने जाते हैं। तो वैदिक साहित्य में इसको शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो स्मृतियों से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है। फिर लेते हैं हम सूत्र के बारे में। तो सूत्र जो हैं ये भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। सूत्र का अर्थ है एक धागे में पिरोना। 700 ईसा पूर्व से 20 ईसा पूर्व के बीच में लिखे गए। इनको लिखने का उद्देश्य था वैदिक काल के साहित्य को आसानी से याद करना। हमारे रीति रिवाज, जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार, गद्य पद्य दोनों में ये जो स्मृतियां हैं ये हैं, ये सूत्र जो हैं ये रचे गए हैं। तो सूत्रों में तीन सूत्र श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र है, और इसके साथ साथ सुल्व सूत्र है। स्रोत सूत्र आर्यों द्वारा यज्ञ बलियों धार्मिक परंपराओं का वर्णन है। गृह सूत्र की जब हम बात करते हैं तो गृह सूत्र में पारिवारिक परंपराओं का वर्णन है, जीवन से संबंधित रीति रिवाजों का। 16 संस्कारों का वर्णन दिया गया है। जन्म से मृत्यु तक जितने भी हमारे संस्कार होते हैं उनका वर्णन किया गया है। धर्म सूत्र में विवाह संबंधी सामाजिक परंपराएं, उत्तराधिकार की प्रथा, जाति प्रथा के संबंध में, ये राजा के बारे में, राजा के क्या कर्तव्य हैं, ये सब कुछ इसमें वर्णन है। फिर है सुल्व सूत्र। ये सूत्र जो है ये यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के आर्यों के नियमों और सिद्धांतों का की जानकारी हमें देते हैं। इसके पश्चात है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो दर्शन या फिलॉसफी जो है ये हमारे ऋषि मुनि ज्ञानियों के द्वारा इनकी रचना की गई। और विशेष तौर पर ये जो दर्शन है ये भी हमें प्राचीन भारत से की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो दर्शन शास्त्र उत्तर वैदिक काल में ये 6 शताब्दी ईसा पूर्व से इनकी और अशोक के राज्य काल के दौरान भिन्न भिन्न ऋषियों के द्वारा से संबंधित है। ये महर्षि कपिल का सांख्य शास्त्र, महर्षि जैमिनी का पूर्वी मीमांसा शास्त्र, कणाद का वैशेषिक शास्त्र, महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र, महर्षि अक्षपाद का गौतम का न्याय शास्त्र और महर्षि वेद व्यास का उत्तर मीमांसा ये शास्त्र हैं। तो इन शास्त्रों से भी हमें जो भारत का इतिहास है उसकी जानकारी मिलती है, खासकर हिंदू धर्म के बारे में पता चलता है। फिर लेंगे हम आरण्यक के बारे में। तो आरण्यक जो ग्रंथ है, आरण्यक विशेष तौर पर अरण्य शब्द से ये बना है, इसका मतलब है जंगल या वन। तो इनको जंगल ग्रंथ भी कहा जाता है।
इन ग्रंथों की रचना विशेष तौर पर जंगलों में बैठकर हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो प्रकृति से संबंधित हमारे पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं उनके सानिध्य में बैठकर इनकी रचना की गई। इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य जो ग्रंथ इत्यादि हैं जिनमें वेदांग भी हैं, वेदांगों में शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद इत्यादि वेदांग हैं। इनसे हमें भाषा विज्ञान, ज्योतिष व खगोल विद्या की जानकारी मिलती है। हमारे इसके साथ साथ उपवेद भी हैं। क्या हुआ कि जब वेदों की एक प्रकार से जानना मुश्किल हो गया तो इनकी एक तरह से आगे चलकर व्याख्या भी की गई। उपवेद सहायक वेद हैं जिनसे धर्म निरपेक्ष विषयों का वर्णन किया गया, जिनमें आयुर्वेद, इसमें वनस्पति विज्ञान, औषधि विज्ञान, धनुर्वेद, युद्ध कला का वर्णन, भिन्न भिन्न युद्ध पद्धतियों का, गंधर्व वेद, साम वेद का ये उपवेद है, संगीत विषय और नृत्य संगीत यंत्रों का वर्णन, शिल्प वेद, यह अथर्व वेद का उपवेद है, ये भवन निर्माण कला से संबंधित है। इसके अतिरिक्त हमारे धर्मशास्त्र हैं, जिसमें के धर्मशास्त्रों में नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, मनु स्मृति इत्यादि हैं। तो मनु स्मृति में हिंदुओं के कानूनों का वर्णन, प्रत्येक जाति के कार्यों का वर्णन, मनु ने जीवन को 100 सालों का मानकर जो है इसका एक प्रकार से वर्णन किया है। 25-25 सालों के 4 आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इत्यादि में जो है विभाजित किया है। तो ये थे हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक साहित्य जो कि एक हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। तो इनको जब हम पढ़ते हैं तो इनसे हमें प्राचीन काल के भारतीय इतिहास की काफी जानकारी, खासकर हिंदू धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है। तो आज मैं इतना ही करवाती हूँ। बाकी बौद्ध धार्मिक ग्रंथ और जैन धार्मिक ग्रंथों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।